राजा हर साल के राजा जामर हो अल्लाह पाक उन्हों की जन्नत उसे जो सिखाला मता मता फरमा ते कृष्ण मसलाने कभी आसान भी हो रे राजा में कभी आसान मास्टर निसार साहब ना शेर फिर सूर साढ़े भाई राजा साकब अरशद इन्होंने चादर ताबत और इन्होंने दोस्तों नजर मास्टर निसार साहब सरकार फरमाया सवाल कर ले तेनू कल दी रही तू नहीं आया सारा दिन रहा इंतजार तेरा हथ मल दी रही तू नहीं आया तो क्या सरकार ने इतना फरमाया Thank you.
मोहसिन साहब सरकार ने लिखा एक शेर जेड़े साईं ईरान साहब सरकार के शागिर्द दे शेर सरकार ने लिखा बड़ा काबिले गौर आ ते मोहसिन Yeah.
रहना, अपना अपना ख्याल रखना। प्रेशर पर सब सरकार की सहाली के उस हाल में मुताबिक भाई ने शेर बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, पता चला जरी चुना दे गल आना। लेकिन याद रखा है दो चीजें यहां, इजर ऐसी चीज है जिसने बिचू विशाल पैदा होना और वसल ऐसी चीज है जिसने बिचू हिजर पैदा होना। शेर बिशारत खातम साहब सरकार ने किया, बड़ा काबले गौर शेर आ सारे दोस्तों वास्ते, खासकर मास्टर फयाज साहब के शकील फयाज। याद रखे शेर बड़ा काबले गौर आ, हिजर नूं क्यों मैं दोष देवां, काबले गौर शेर, हिजर नूं क्यों मैं दोष देवां, क्यों जे हिजर करदा दुखिया दा वादा। शब्द से कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की क्षमा जला जाता। तो मेरे दोस्तों राजे तारक अहमद साहब का शेर, राजे साजिद महमूद साहब की फरमाइश और राजे फारूक साहब ने, राजे वकास साहब ने, राजे वकार साहब ने, राजा अयाज साहब, राजा बलाल साहब इन्होंने, अशफाक मुगल साहब ते मामू असलम साहब खसूसी चाद फरमाइश करी है, वो जुबैर साहब भाई रकम तो उन्होंने चाद फरमाइश है, हाजी शिराज साहब है, हाजी जावेद साहब पर भी कम तो इन्होंने दोस्तों ने चाद फरमाइश की। शेर बड़ा काबले गौर, सुना है आप हर आशिक के दर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के दर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो राजे तारक अहमद साहब का शेर सरकार आने शमाएं अकीदत दी रहे बल्कि
राजा नसीर पट्टी साहब खूब संजूर आल वकील मस्कत सलाला जनाब की फरमाइश फैसल अब्बासी साहब श्याम अब्बासी साहब सुफियान अब्बासी साहब आदर अब्बासी साहब वाजिब सत्ती साहब फैसल सत्ती साहब फैसल अब्बासी साहब जिन्होंने नाला उन्होंने चांद फरमाइश उमर सत्ती साहब और ईसा शेर की फरमाइश असरार ग्यारी साहब चौधरी शहजाद साहब ठेकेदार जुल्फकार साहब के यासर मुगल साहब के राशिद मुगल साहब आल मकीम सलाला इन दोस्तों सारे याद फरमाइश के राजे तारक अमोज साहब का शेर सरकार ने शेर की फरमाइश मेरे दोस्तों हाजी अरशद साहब राजा इफ्तखार साहब और खान मुख्तार खान साहब आमद कुरैशी साहब और राजा ममरे साहब इन्होंने याद फरमाइश दे दामन लोरी आला
अली सरकार ने फरमाया जिसने इतमाद करो कुसै पर भरपूर इतमाद करो। दो चीजा चु एक चीज तुसा भी मिली गया सी, या चंगा सबक मिली गया सी, या चंगा संगी तुसा भी मिली गया सी। याद रखिया है आने पहाड़ा परू छत्ता परू ठठा बंदा हूं अगर जिंदगी वास्ते उठी सकना पर किसी ने नजर चू ठठा बंदा नहीं उठ सकता। और याद रखिया ये दोस्ती ने रिश्ते जितने थे ना दुनिया ने अंदर ये सारे इतमाद ने रिश्ते है। जिसने इतमाद नहीं तंद त्रुटी पिछा बाकी रिश्ता पिछा कायम को नहीं। तो एक खेर अभी अमृत साहब ने लिखा खेर बड़ा काबले गौर आते माड़ा अपना हाल जरा शेर पेश करना उसकी अपना हाल समझी दे। जिस दोस्त पर बंदा अखियां बंद करी दे इतमाद करना हुआ वो है दोस्त जिसने उसकी अखियां कटने की कोशिश करा तो फिर इंसान की बड़ी तकलीफ हो गई। बंदा हर चीज उसकी समझना हुआ तो फिर जिसने उसने इतमाद की ठेस गोजनी दे आश के लार कह आ रहा नजारे तू सिलकूगी आज गैर वाल तक इको यार नुकसान कोई नहीं दे सकता। मिगी रब ने कोई इतना यकीन क्योंकि मैं मौत की कोल तू तकी दाया अल्लाह की कसम है। ओ तू ते मौत ते कंडे Yeah.
भावे बुरा बने आज कुछ समय दामन खुद बुलाया दस मैं असम बोलन बुलान को दूर की गल बोल मिठड़े बगैर तो नहीं सकना भाई बोल मिठड़े पगल ताना जरूर दे सकने उसकी गिला जरूर कर सकने सरकार पूरे शेर साहब का शेर शेर तू याद आया कि एक दुश्मन में उसकी एक छोटा जा बच्चा भी सह नहीं सकना कि माड़ा दुश्मन आ लेकिन फर्क उन्होंने लोगों की औखी है जे सजन बनी दबार देने अंदरों खोखले से बहरों मसलूई चेहरे झूठे रूप दे असा व्यापारी नहीं आ जिसिया मुंह दियां गल्ला बड़िया मिठिया होने लेकिन अंदर जिसने जहर तिगावे सरकार पूरे शेर साहब ने शेर बड़ी कीमती गल बड़े सामने पेश हुई दुश्मन दुश्मन की सी नादान बच्चा भी सह नहीं सकता दुश्मन नादान
आशा जी ए राजी किसे उर्दू ने शायर किया खा के तीर जो देखा कमी गाह की तरफ, खा के तीर जो देखा कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो। तो याद रखे दुनिया ने अंदर जेड़े बंदे दो चेहरे रखने ना, फिर नसीरा क्या सा अभी कुछ और बयान है, अभी कुछ और बयान था, अभी कुछ और बयान है, गोया तेरी जुबान के नीचे जुबान है। तो बुशारत खादम महाड़ा राजा बुशारत खादम शेर बड़ा काबरे बोला जिन्हों चेहरिया रूप दौरे जिन्हों चेहरिया रूप दौरे
ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਏ ਮਰ ਜਾਏ ਤੋ ਬੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੋ ਜੀਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਨਾ ਸਕਣ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੱਪੀ ਤੇ ਲਾਈ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਕੀ ਦੋਸਤ ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਹੜੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬਾਂ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੰਗਾ ਕਰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਗੁੱਡਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਫ ਤੱਕ ਨਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਕੋਲ ਪੱਲਾ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹਮਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣੇ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮਲੇਰ ਮਸੇਰ ਦੱਤੋਤਰੇ ਫਫੇਰ ਕਈ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਆਖਣੇ ਜੀ ਮਾੜੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾ ਉਸਦੀ ਸੂਲੀ ਸਿਖਾ ਚਾੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸਾ ਬਾਣੇ ਕਸਦਾ ਸੰਗੇ
सारे इस सिर्फ का स्वाद लाने से आया वाह इस किसी रजने से नहीं बंदा ऐसा टाइम नहीं तकिया ऐसा सरकार आखिया चर्चा हो रहा है आम मेरा जितनी मुख्तसर मेरी औकात हो रही दूरों पै रही नगर परवानिया दी काली जिस कदर क्षमा ते रात हो रही शायद साड़ अंदर असर बिजलियां दा तेज तां ऐसी तलिस्मात हो रही चार तिलियां अंदर की जल गई सारे जमन अंदर मेरी बात हो रही दोस्तों करबला शरीफ दिया जिदिया करबला शरीफ दिया जिदिया सब कुछ सगी
नाजुक बहन साढ़े भाई शाह साहब जो कि डोगरा जमात तो तशरीफ फरमाए उन्होंने बाबा राजा अर्शद साहब और साढ़े भाई विकास भट्टी साहब ऑनलाइन फोन से जो सुनने पे उन्होंने चार दिन बाबा आखिरी बहन उसके बाद बराबर इजाजत सरकार इतना फरमाया